सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों अगर आप किसी भी वाईफाई को कनेक्ट करना चाहते हो विदाउट किसी पासवर्ड के, तो दोस्तों ये वाली वीडियो आप लोगों के आज बहुत काम आने वाली है फ्यूचर में। दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि आप किसी भी वाईफाई को कनेक्ट कैसे कर सकते हो विदाउट किसी पासवर्ड के। देखो गाइस, सबसे पहले आप लोग एक प्रूफ देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों विदाउट प्रूफ आजकल के ज़माने में कोई भी बंदा किसी पे भरोसा नहीं करता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जितने भी वाईफाई मेरे एरिया में इस टाइम है वो पूरे यहाँ पे सर्च लिस्ट में आ चुके हैं। दोस्तों अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऊपर वाला वाईफाई मेरे को ऑलरेडी कनेक्ट है। अब यहाँ पे मैं नीचे वाले में से कोई भी आप लोगों को कनेक्ट करके दिखाता हूँ विदाउट किसी पासवर्ड के। गाइज वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग होने वाली, इसलिए वीडियो को पूरा एक एक सेटअप एंड तक देखना। जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये काफ़ी यूजफुल ट्रिक है एंड ये ट्रिक आज तक आप लोगों को किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी। यहाँ पे गाइज मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। अब गाइज इस वाले पे क्लिक करता हूँ, ये भी पासवर्ड मांग रहा है। यानी गाइज यहाँ पे जितने भी वाईफाई है पूरे पासवर्ड मांग रहे हैं। अब गाइज मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि विदाउट पासवर्ड आप कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये अभी कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कनेक्ट हो चुका है। दोस्तों अब ये मैंने कैसे किया, जो ट्रिक मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, भाई अल्लाह की कसम आप मुझे हमेशा दुआएं ही दोगी, क्योंकि ये वाली ट्रिक काफ़ी यूजफुल एंड वर्किंग ट्रिक है। दोस्तों इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप विदाउट पासवर्ड कैसे कनेक्ट करते हो किसी भी वाईफाई को। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। चलिए दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि किसी भी वाईफाई को कनेक्ट कैसे करते हैं विदाउट किसी पासवर्ड के। तो देखो गाइस सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने वाईफाई में ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे एरिया में जितने भी वाईफाई के नेटवर्क है वो पूरे यहाँ पे सर्च में आ चुके हैं। दोस्तों अब यहाँ पे अगर मैं इसको कनेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि ये सभी पासवर्ड मुझे यहाँ पे मांग रहे हैं। अब मुझे कनेक्ट कैसे करना है, देखो फॉर एग्जाम्पल गाइज अगर इस वाले वाईफाई को आपको कनेक्ट करना, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आईपी सेटिंग, गौर से देखना गाइज, इस पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको स्टैटिक करना है। अब गाइज यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी सेटिंग्स कर लेनी है, यहाँ पे आप कोई भी गलती नहीं करना, जैसे मैं करता हूँ वैसे भी आपकी करना। अब यहाँ पे गाइज आपको सबसे पहले यहाँ पे आता है आईपी एड्रेस, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो गाइज यहाँ पे आपको लिख लेना है 192 डॉट, जो मैं लिख रहा हूँ गाइज यही आपको भी लिखना, याद रखना 192.168. उसके बाद गाइज आपको लिखना है 1.1। अब क्या करना, अब आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है राउटर। अब यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है 192 डॉट, यहाँ पे लिखना है आपको 168.2.1, याद रखना गाइस जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको भी लिखना। अब यहाँ पे गाइस एक ऑप्शन मिला परफेक्ट लेंथ, इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है 24। जैसे आप 24 लिखेंगे अब नीचे आपको आना है, यहाँ पे आपको लिखना है गाइस DNS1 में 8.8.8.8, चार बार आपको लिखना है 8.8.8। अब गाइज यहाँ पे आपको आना है नीचे DNS2, इस पे यहाँ पे क्या लिखना है गाइज, यहाँ पे आपको लिखना है 8.8.4.4। यहाँ पे गाइज आप लोग याद रखना है जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है वही आपको भी लिखना है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी भी गलती की यहाँ से फिर आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ से गाइज आपको राइट साइड में टिक कर देना है, जैसे आप यहाँ से टिक करेंगे अब आपको यहाँ से बैक आना है। अब यहाँ पे मैं अगर किसी भी वाईफाई को कनेक्ट करना चाहूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं इस वाले वाईफाई को कनेक्ट करूँगा, ये फिर से मुझे पासवर्ड मांग रहा है। आखिर दोस्तों ये पासवर्ड क्यों मांग रहा है, क्यों मुझे बार बार ये पासवर्ड मांग रहा है, वाईफाई कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा। दोस्तों वाईफाई जो होता है ना गाइज ये किसी भी तरह का हैक नहीं होता है, मैं आपको यही बात समझाने वाला था पहले वीडियो में। अगर मैं आपको पहले ही बता देता तो आप वीडियो पे पूरा ध्यान नहीं देते, इसलिए गाइज आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।